नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप सभी का न्यूज लाइव में स्वागत करते हैं। दोस्तों, इंडिया गठबंधन को मैंने तैयार किया। ममता बनर्जी ने कहा, दायित्व तो मिलने पर बंगाल से होगा संचालन। क्या कहा है ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को लेकर, चलिए जानते हैं। जी हाँ, बात करें तो बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने दावा किया है कि विरोधी दलों के गठबंधन इंडिया को उन्होंने तैयार किया था और इसका दायित्व तो मिलने पर वे इसे बंगाल से चला सकती हैं। एक समाचार चैनल को दिए गए इंटरव्यू में मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी जो लोग इंडिया का नेतृत्व कर रहे हैं वो इसे ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, वो लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं, लेकिन मैं सभी राष्ट्रीय व क्षेत्रीय दलों के संपर्क में हूँ और उन सबसे अच्छे संबंध बनाकर चलती हूँ। ममता बनर्जी ने कहा कि इंडिया का दायित्व मिलने पर मैं इसे बंगाल से भी चला सकती हूँ, मैं बंगाल की मिट्टी छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती, मेरा जन्म बंगाल में हुआ है और मैं यहीं अंतिम सांस लूंगी। सांसदों ने भी की मांग। जी हाँ, बात करें तो बता दें कि कुछ दिन पहले ही तृणमूल कांग्रेस सांसद लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक कल्याण बनर्जी ने कहा था कि कांग्रेस को अहंकार छोड़ इंडिया की कमान ममता बनर्जी को सौंप देनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस सांसद कीर्ति आजाद ने भी इसकी वकालत की थी। खबर ये भी आ रही है कि ममता बनर्जी जो है एक विशेष अधिवेशन बुलाएगी। इस बीच सूत्र दावा कर रहे हैं कि ममता तृणमूल में व्याप्त अंतर्द्वंद को देखते हुए जनवरी में पार्टी का विशेष अधिवेशन बुलाने की तैयारी कर रही है। इसमें पार्टी के समस्त सांसद, मंत्री, विधायक, नगर निकायों व पंचायतों के प्रतिनिधि जो है उपस्थित रहेंगे। अधिवेशन में ममता बनर्जी अंतर्द्वंद पर लगाम लगाने के लिए कई बड़े फैसले ले सकती है। बंगाल में 2024 में होने वाले 26 में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए वर्षव्यापी कार्यसूची की भी घोषणा की जा सकती है। साथ ही पार्टी में बड़ा फेरबदल भी देखने को मिल सकता है। अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ये बातें कही है उसको लेकर इंडिया गठबंधन पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। आप लोग क्या कहते हैं बताइए। धन्यवाद।